नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप सबके साथ ना बहुत ही आसानी से बनने वाली नारियल की गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत बार सूजी और मावा की गुजिया तो बनाई होंगी, लेकिन एक बार इस तरीके से नारियल की गुजिया बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू, इन सबको दर दरा कूट लेंगे। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा सा कूट लेना है। आप चाहे तो एक काम मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसे बहुत फाइन नहीं पीसना है। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देख रहे हैं, हमें इसे इतना ही दरदरा कूटना था, इससे ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बना है। और जो भी मोटा पार्ट बच गया ना, उसे भी हम तोड़ लेंगे हाथों से। और उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। आप यहाँ पर चाहे तो घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी में ही इसे भूजे तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे जो बादाम और काजू हमने कूटा था ना, उसे डाल देंगे। और इसे भी बहुत नहीं पकाना है, बस 1-2 मिनट के लिए इसे भी भूनेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और थोड़ा सा इसमें किशमिश भी हम डाल देंगे। और ध्यान रखेंगे कि इसका कलर ना चेंज हो, गैस का फ्लेम ना इस समय हमें लो ही रखना है। और किशमिश डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। और इसमें डाल देंगे हम ये कोकोनट का पाउडर, जिसे हम ना नारियल का बुरादा बोलते हैं। और इसको डालने के बाद ना हमें बहुत नहीं भूनना है इसको भी, बस 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसका भी कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूनना है इसे। देख रहे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे पता चल रहा है, पूरे किचन में ना नारियल की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है। और घी में भुनने के बाद ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें 2 कप मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे। आपको जितना बनाना हो उतना मैदा डाल सकते हैं आप। हमें जितना 1 कप कोकोनट पाउडर के लिए ना 2 कप मैदा काफ़ी है। और इसमें 2 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। मोइन आप हमेशा ना घी का ही डालें, जिससे ना ये अच्छी तरह से बनकर तैयार होता है। किसी भी रेसिपी में आप घी का मोइन डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है पूरे मैदा में। दोस्तों आप चाहें ना तो ये गुजिया आप कच्चे नारियल से भी बना सकते हैं, उसका छिलका उतार लें और उसे मिक्सी के जार में पीस लिया या ग्रेट कर लें। और चेक करने के लिए ना हम यहाँ पर मुट्ठी बांध कर देखेंगे, अगर ये बंद रहा है ऐसे तो इसका मतलब अच्छी तरह से मोइन हमारा लग गया है। अगर ऐसे नहीं बंद है ना तो थोड़ा सा आप और मोइन डाल सकते हैं इसमें। और उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे, जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त डो लगाएंगे हम इसका। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस इसी तरह से डो हमें तैयार करना है इसका। और इसे हम कोई भींगा हुआ कपड़ा से ढककर छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। तब तक यहाँ पे हमने जो ये नारियल का पाउडर भुना था ना, उसमें हम चीनी मिक्स कर लेते तो ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें चीनी मिक्स कर लेते हैं। चीनी यहाँ पे हमने 1/2 कप के करीब लिया है। 1 कप नारियल पाउडर के लिए ना 1/2 कप चीनी है काफ़ी है। आप चाहें तो इसे कम भी डाल सकते हैं या अपने अंदाजे से आप डाल सकते हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे नारियल पाउडर और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों इस नारियल के गुजिया में ना आप सूजी या मावा कुछ भी ऐड नहीं करें, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इस तरह से नारियल का टेस्ट आता है ना इस गुजिया में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो डो तैयार किए थे उसे ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे। और छोटी छोटी लोइयां नींबू के बराबर तोड़ेंगे और इसका लोई बना लेंगे। आपको जितना बड़ा गुजिया बनाना है उतना ही बड़ा लोई आप तोड़ें। और फिर से इसे हम गीले कपड़े से ही ढकेंगे और यहाँ पे इसे बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो आप यहाँ पे ना सूखा मैदा या आटा डाल सकते हैं, उसका डस्ट लगा सकते हैं।
ऐसे इसी तरह से बेलने में भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद ये जो हमने तैयार किया ना फिलिंग, सो हम इसमें ऐसे डाल देंगे और इसे बंद करते चले जाएंगे। बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हो जाता है। और इसे बाहर से अच्छी तरह से ऐसे ही सील करें। अगर आपको ये ड्राई लगे, अच्छी तरह से सील ना हो, तो आप क्या करें ना, थोड़ा सा मैदा को पानी में घोल लें और उसको साइड के किनारे पे लगा के फिर से बंद कर दें। और आप चाहें तो साइड कट कर सकते हैं। मैं ऐसे इसमें कुछ डिजाइन बना दे रही हूँ। तो आप देख रहे हैं, इसी तरह से हम सारे गुजिया को तैयार करेंगे। बेलने में भी हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत ही आराम से बेला जा रहा है। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे फिलिंग। और इसे ऐसे ही मोड़ते हुए हम फोल्ड करते चले जाएंगे। दोस्तों ये रेसिपी इतनी आसान है ना कि क्या बताऊँ मैं। आप सूजी या मावा के गुजिया बनाए होंगे तो देखे होंगे उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन नारियल का गुजिया ना बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें टाइम भी बहुत नहीं लगता है। देख रहे हैं कितनी आसानी से बन रहा है। इसी तरह करके हम सारे गुजिया को तैयार कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा इतना बनाया है और मैं कुछ देर बाद बनाऊंगी, तब तक मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तेल को हमने पहले ही हल्का गर्म कर लिया है। तेल यहाँ पे बहुत गर्म हमें नहीं करना है, हल्का ही गर्म में इसे हम डालते जाएंगे, धीरे धीरे गर्म होते जाएगा। गैस का फ्लेम ना यहाँ पे हम लो ही रखेंगे। और देख रहे हैं धीरे धीरे अच्छी तरह से गर्म हो गया है और एक गुजिया भी ऊपर आ गया है। तो इसे हम धीरे से पलट देते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक गुजिया इस समय तेल में डालने के बाद फट जाती है ना, कभी कभी होता है, तो उस समय क्या करें ना, आप इसे पलटे नहीं, बस वैसे ही इसे निकाल लें एक ही तरफ से। आप फिर उस पर जो हमने मैदा और पानी का जो घोल बताया ना, उसे डाल दें, डालकर थोड़ी देर छोड़ देंगे ना तो जम जाएगा। उसके बाद फिर फ्राई कर ले, कुछ नहीं होगा उसके बाद। लेकिन आप ऐसे बनाएंगे तो फटेगा नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि उससे क्या होता है, पूरा तेल ख़राब हो जाता है। और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही मैंने इसे सेक लिया है। देखिए निकाल देते हैं इसे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बनाना कितना आसान है सो देखिए। और जो बचा हुआ है दूसरा, उसे भी हम डाल देंगे। तो इसे भी हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज कर देना है। बहुत होगा तो आप मीडियम गैस कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि जल्दी से ऊपर से इसका लेयर पक जाएगा और ये सॉफ्ट उसके बाद ना मुलायम हो जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पे ही हमेशा गुजिया को सेकना चाहिए। और इसे भी हम निकाल लेते हैं, गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। और जो मैंने छोड़ा था उसे बाद में बनाऊँगी मैं। और देखिए बनकर कितना आसानी से तैयार हो गया, कोई परेशानी हुआ कुछ भी नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।